और मुझे सर में बहुत दर्द होता था, बहुत ज्यादा, और आज से नहीं, काफी साल से। वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया 1 वीक के आपके ट्रेनिंग पीरियड में ही मैंने महसूस किया। और ये भी 1 वीक हुआ है, और अगले चैलेंज के लिए भी मेरे हस्बैंड ने नेक्स्ट मंथ का भी मुझे एडवांस दे दिया है कि गो, तुमको इसको आगे बहुत दिन तक करना है, जब तक तुम नहीं बोलोगे कि ना। हम ज्यादा खाने लगे हैं, और मेरा क्या था कि मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट लेट होता था, करती थी लेकिन लेट करती थी, तो लंच भी लेट, फिर डिनर तो कई बार स्किप। और मुझे सर में बहुत दर्द होता था, बहुत ज्यादा, और आज से नहीं, काफी साल से। वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया 1 वीक के आपके ट्रेनिंग पीरियड में ही मैंने महसूस किया। 1 फरवरी तो आने के पहले ही मैंने 1 वीक के ट्रेनिंग में ही मैंने महसूस किया, मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल बहुत फास्ट हो गया है। हाँ, वेस्टर्न ड्रेस मुझे पहनना बहुत पसंद है, इंडियन तो है जो सबका होता है, क्योंकि हम साउथ इंडियन है तो मेरे साड़ी का है हमारा, लेकिन वेस्टर्न मुझे बहुत पसंद था शुरू से। लेकिन अब जब पहनती हूँ तो इस 2 वीक्स में मैंने महसूस किया मुझे टमी की साइड में बिल्कुल वो फैट नहीं आ रहा है, और मुझे अच्छा लग रहा है पहनने में कपड़े, और सारे लोग इतने खुश हैं। चाय कॉफी में से कॉफी और चाय मतलब पीती थी लेकिन ज्यादा नहीं, और वो सब छूट गया। शुगर बिल्कुल बिल्कुल, मेरे घर का शुगर वैसे पड़ा हुआ है, मेरे हस्बैंड चाय पीते ही नहीं थे, मेरा भी बंद हो गया है। हाँ, जैसे संडे वनडे घर पे रहते तो मैं पी लेती हूँ, जैसे आपने बताया मुझे रूटीन फॉलो करना है, क्योंकि आपने कहा कि खाने से कम होता है, योगा और ये सब चीज तो इसके साथ में जोड़ना है इसको, ताकि रूटीन हमारा फॉलो हो सके। और ये भी 1 वीक हुआ है, और अगले चैलेंज के लिए भी मेरे हस्बैंड ने नेक्स्ट मंथ का भी मुझे एडवांस दे दिया है कि गो, तुमको इसको आगे बहुत दिन तक करना है, जब तक तुम नहीं बोलोगे कि हाँ। वीकेंड में घूमना पसंद है, तो अच्छे अच्छे कपड़े बहुत खरीदती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा काम करती थी, बहुत अंदर हाँफती थी, तो मैंने अपना मेडिकल टेस्ट कराया जिसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, B12 प्रॉब्लम है, B3 है उसमें, और भी बहुत सारे। हाँ, मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था, मैंने 1 महीना तो छोड़ दी, मैं 10 डेज का भी मेडिसिन खाने के बाद, जब से आपका चैलेंज पकड़ा है मैंने मेडिसिन को छोड़ ही दिया। मुझे थकान नहीं हो रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे काम को याद रखना पड़ता नहीं है, मुझे लगता है कि अरे इसके बाद तो ये काम करना है, फिर तो योगा सेशन शुरू हो जाएगा, और सारे लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब मोटिवेट कर रहे हैं, आगे बढ़ो। आपको पता है मुझे डांस कितना पसंद है, तो मैं थक जाती थी शायद, अब लगता है कि जब जब जाऊंगी 2 महीना बाद शादी में, तो शायद मुझे डांस में ज्यादा एनर्जी मिले, और ज्यादा अच्छा से मैं खाने को फॉलो कर पा रही हूँ, इसके वजह से मुझे भी अच्छा लग रहा है और बाकी लोग को भी मैं खुश कर पाऊँ। जैसे आपने कहा ना, जब पहले हम खुश रहेंगे तो हमारी फैमिली खुश रहेगी, और पहले मैं भूखे पेट करती थी तो बहुत चिड़चिड़ करती थी, लंच या डिनर कुछ भी बन जाता तभी भी मैं उन लोगों पर डांटती थी, उन लोग खाना कम खाते थे मेरे डांट ज्यादा सुनते थे, अब वैसा नहीं होता है। मैम, 25वां साल आने वाला है जिसके लिए मैंने एक आउटफिट लिया, जो मुझे बहुत ही वेस्टर्न ड्रेस पहनना पसंद है, और मैं मीठा की बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, तो मुझे अक्सर मतलब मीठा देखकर ऐसा क्रेज हो जाता है जैसे कि मैं कुछ भी कर लूं मीठा नहीं छोड़ सकती। हाँ, मुझे एक्सरसाइज करना बिल्कुल ही नहीं पसंद था, मैं जस्ट वॉक करती थी काफी समय से, यहाँ से पहले भी मैं करती थी, लेकिन मुझे ज्यादा वेट लूज करने में मतलब ज्यादा मजा नहीं आता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को था कि वो जैसे स्लिम ट्रिम है मुझे भी वैसे रहना है, वो वेट गेन कर रहे हैं। आपके चैलेंज के बाद उनका और मेरा दोनों का फंडा एकदम इक्वल हो गया है, उनको गेन करना है और मुझे रिड्यूस करना है, तो थैंक यू उसके लिए आपको।